आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा की सफारी, ह्यूंडई के एल्केजार और एमजी की हेक्टर प्लस, तीनों 7 सीटर गाड़ियों के बारे में। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको HKS कार ड्राइव को सब्सक्राइब करने में आएगा। सिर्फ 24% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं तीनों ही गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में। तो एल्केजार में आपको 4500 का लेंथ मिलता है, वहीं 1790 का विड्थ मिलता है और 1675 मिलीमीटर का हाइट मिलता है। उसी के साथ सफारी में आपको 4661 mm का लेंथ मिलता है, 1894 mm का विड्थ मिलता है और 1786 मिलीमीटर का हाइट मिलता है। वहीं हेक्टर प्लस में आपको 4720 मिलीमीटर का लेंथ मिलता है, 1835 मिलीमीटर का ब्रेथ मिलता है और 1760 मिलीमीटर का हाइट मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीनों ही गाड़ियों की व्हील बेस के बारे में। तो एल्केजार में आपको 2760 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जो सबसे ज़्यादा है तीनों ही गाड़ियों में, और सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। हेक्टर प्लस में आपको 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एल्केजार में आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं सफारी में आपको 73 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हेक्टर प्लस में आपको 155 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस के मामले में सफारी सबसे पीछे रह जाती है। एल्केजार और हेक्टर प्लस में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, वहीं सफारी में सिर्फ आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। बात करें पेट्रोल इंजन की, तो एल्केजार में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 159 PS की और 191 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। वहीं हेक्टर प्लस में आपको 2 लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जो कि 143 PS और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल इंजन में एल्केजार में आपको 14.5 KMPL का माइलेज मिलता है, वहीं हेक्टर प्लस में मैनुअल ट्रांसमिशन में 14 KMPL और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 11.6 KMPL का माइलेज मिलता है। अब बात करते हैं डीजल इंजन की, तो सफारी और हेक्टर प्लस में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, वहीं एल्केजार में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। जहाँ सफारी और हेक्टर प्लस 170 PS का पावर जनरेट करता है, वहीं एल्केजार 115 PS का पावर जनरेट करता है। इसी के साथ जहाँ सफारी और हेक्टर प्लस दोनों का डीजल इंजन 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं एल्केजार का डीजल इंजन 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सफारी और एल्केजार में आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि हेक्टर प्लस में आपको सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। सफारी में आपको 14.08 KMPL टू 16.14 KMPL का माइलेज मिलता है, वहीं एल्केजार में आपको 18.1 टू 20.4 KMPL का माइलेज मिलता है और हेक्टर प्लस में आपको 16.56 KMPL का माइलेज मिलता है। अब बारी बारी से बात करेंगे तीनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्केजार में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। LED हेड लैम्प, LED फॉग लैम्प, LED DRL, LED टेल लैम्प, फॉलो मी हेड लैम्प, 18-inch अलॉय व्हील, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, पेनोरामिक सनरूफ, एडजस्टेबल हेड रेस्ट फॉर थर्ड रो, 2.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर प्यूरीफायर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, USB चार्जिंग ऑन रो, गो सिटी एंड स्पोर्ट मोड, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, 10.25 इंच टच स्क्रीन, प्रीमियम बोस 8 स्पीकर, सब वूफर, एप्पल कारप्ले, 6 एयरबैग, ESP, हील होल्ड कंट्रोल, ABS विद EBD, रियर डिस्क ब्रेक, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो टाटा सफारी 2021 में अवेलेबल है। HID प्रोजेक्टर हेड लैम्प, डुअल फंक्शन LED टेल DRLs, LED टेल लैम्प, फॉलो मी हेड लैम्प, 18-inch अलॉय व्हील, शार्क फिन एंटीना, फ्रंट फॉग लैम्प विथ कॉर्निंग फंक्शन, एम्बियंट लाइटिंग, पेनोरामिक सनरूफ, एडजस्टेबल हेड रेस्ट फॉर सेकंड रो, 7-inch TFT, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, USB चार्जिंग ऑल रो, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर, इको सिटी स्पोर्ट मोड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, बॉस मोड सीट्स, 8.8-inch टच स्क्रीन, 8 JBL स्पीकर, अब ऊपर एप्पल कारप्ले, 6 एयरबैग, ESP, हील होल्ड कंट्रोल, ABS विद EBD, रियर डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, ट्रेन रिस्पॉन्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो MG हेक्टर प्लस में मिलते हैं। तो LED हेड लैम्प, LED टेल लैम्प, LED फॉग फ्रंट फॉग लैम्प, LED रियर फॉग लैम्प, LED DRL, फॉलो मी हेड लैम्प, 18-inch अलॉय व्हील, LED डायनेमिक टर्न इंडिकेटर, क्रोम फिनिश ग्रिल, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, पडल लैम्प, 8 कलर एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ, एडजस्टेबल हेड रेस्ट फॉर थर्ड रो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, USB चार्जिंग ऑल रो, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, इको सिटी स्पोर्ट मोड, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, 10.4 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन्फिनिटी 9 स्पीकर, सब वूफर एंड एम्पलीफायर, एप्पल कार प्ले, 6 एयरबैग, ESP, हील्ड होल्ड कंट्रोल, ABS विद EBD, रियर डिस्क ब्रेक, ब्रेक असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। ये सब तो थी बहुत ही कॉमन बातें। अब हम बात करते हैं असली 7 सीटर
कार की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है उसकी सीटिंग कैपेसिटी। अब हम जानेंगे इन तीनों कार की सीटिंग कैपेसिटी के बारे में। तो हमारे सूत्रों के हिसाब से एल्केजर को 10 out of 7 मार्क्स मिलते हैं और सफारी को 9 out of 10 मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों गाड़ियों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ एक फीचर वाइज कोई 7 सीटर गाड़ी लेनी है तो आपके लिए एल्केजर और हेक्टर प्लस एकदम ठीक है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा थोड़ा एडवेंचरस गाड़ी लेनी है तो आपके लिए सफारी सबसे बेस्ट है।